अस्सलाम वालेकुम अबरार रशीद, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक अहम खबर के साथ हाजिर है। और वो अहम खबर है कि दुबई एयरपोर्ट्स ने 15 माह के बाद दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 यानी टर्मिनल 1 को खोलने का ऐलान किया है। 24 जून से ये टर्मिनल 15 माह के बाद दोबारा खुल जाएगा। याद रहे कि गुज़श्ता साल मार्च के वस्त में यानी 20 मार्च के बाद कोरोना वायरस की वजह से दुबई के तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। 7 जुलाई को यानी गुज़श्ता साल ही दुबई के टर्मिनल 3 और उसके बाद टर्मिनल 2 को फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया था और अब टर्मिनल 1 को भी खोलने का ऐलान किया गया है। आपको मालूम है कि टर्मिनल 1 पे ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो गैर मुल्की फ्लाइट्स वहां पर आती और वहां से जाती हैं और एक साल में तकरीबन 18 मिलियन अफराद इस टर्मिनल को इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वो फ्लाइट्स जो गैर मुल्की फ्लाइट्स गिरदानी जाती हैं वो टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से फ्लाई करती थी या वहां पर लैंड करती थी। अब टर्मिनल 1 के खुल जाने के बाद 40 के करीब एयरलाइंस ऐसी हैं जो दोबारा टर्मिनल 1 पे शिफ्ट हो जाएंगी और ये सिलसिला 24 जून से शुरू होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो खुशी की बात है वो ये है जो कि इस पूरी खबर में पिनहा है, वो ये है कि अब ऐसे लगता है, ऐसे मालूम होता है, ऐसे दिखाई देता है कि एक्सपो 2020 के आगाज से पहले दुबई के तमाम एयरपोर्ट्स को खोला जा रहा है। आपको मालूम है कि दुबई में एयरपोर्ट तो बड़े दो ही हैं, एक जिसको DW सेंट्रल कहते हैं, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल जिसको शेख राशिद अल मक्तूम एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि जबल अली में है, और एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट जिसको DXB कहते हैं, जिसके 3 टर्मिनल हैं। अब ये जो गैर मुल्की परवाजें हैं, जाहिर है इनकी आमद का सिलसिला और जाने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और परवाजों में इजाफे को देखते हुए, एयरलाइंस की तादाद में इजाफे को देखते हुए, मुसाफरों की मुमकिन तादाद जो है उसको बढ़ता हुआ देखते हुए अब दुबई एयरपोर्ट्स ने यह ऐलान किया है, जो मैं समझता हूं एक खुशआइन बात है। लेकिन वो लोग जो इससे पहले टर्मिनल 3 से ज्यादा सहूलत के साथ आ जा सकते थे, अब उनको टर्मिनल 1 से जाना पड़ेगा। अगर आप एमिरेट्स से सफर कर रहे हैं या फ्लाई दुबई से सफर कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप अब भी टर्मिनल 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले फ्लाई दुबई भी टर्मिनल 1 से फ्लाई करती थी, एमिरेट्स सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन टर्मिनल 3 से फ्लाई करती थी। अब ऐसे लगता है कि टर्मिनल 3 को दोबारा एमिरेट्स के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा और बाकी तमाम एयरलाइन जो है वो टर्मिनल 1 से आएंगी और जाएंगी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत से लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या दुबई आते जाते रहते हैं उनको इस ऐलान की अहमियत का अंदाजा होगा। याद रहे कि गुज़श्ता साल भी मार्च के बाद 7 जुलाई को दुबई ने अपने आप को यानी दुबई एयरपोर्ट को गैर मुल्की सयाहों के लिए, गैर मुल्क से आने वाली परवाजों के लिए खोला गया था और ये सिलसिला अब तक जारी है। अगरचे परवाजों में थोड़ी बहुत कमी बेशी होती रहती है मुल्कों के हालात देखकर, जिस तरह आजकल पाकिस्तान और इंडिया पर पाबंदियां हैं, उम्मीद है जल्द ये पाबंदियां भी हट जाएंगी और लोग दोबारा निस्बतन आसानी से, उस तरह तो नहीं जो कि पेंडेमिक से पहले जिस तरह आसानी से आते जाते थे, लेकिन अब उम्मीद है कि निस्बतन आसानी से वो इन एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकेंगे और दुबई जाने और आने के लिए अपनी मनपसंद एयरलाइन के जरिए भी ट्रेवल कर सकेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।